जब चाह सियासत और सत्ता की होती है तो विरोधी भी साथ आने से कतराते नहीं है। इन दिनों कुछ ऐसा ही नजारा राजस्थान बीजेपी में भी दिखाई दे रहा है। सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया गहलोत सरकार के एक साल पूरे होने पर दोनों ने एक साथ गहलोत सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। गहलोत सरकार के वर्ष एक फैसले अनेक के विरोध में बीजेपी ने एक साल राजस्थान बेहाल का नारा बुलंद किया। वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार की पहली वर्षगांठ पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार विफलताओं और कुशासन का जश्न मना रही है। वहीं सतीश पूनिया ने भी गहलोत सरकार को जमकर कोसा। पूनिया ने गहलोत सरकार की पहली सालगिरह पर चार्जशीट जारी कर 52 सप्ताह की 52 विफलताएं गिनाई। सतीश पूनिया ने बेरोजगारी को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने रोजगार और भत्ता देने की व्यवस्था तो की, लेकिन एक ही बेरोजगार को दिया और वो है वैभव गहलोत। राजस्थान के बेरोजगारों को शब्द बाग दिखाया कि हम राजस्थान के बेरोजगारों को रोजगार भी देंगे और भत्ता भी देंगे। मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए तो प्रशंसा करनी पड़ेगी, एक व्यक्ति को तो रोजगार दिया और भत्ता भी देने की व्यवस्था करी, और जो वो बेरोजगार नौजवान है उसका नाम वैभव गहलोत है। आरसीए में उनकी ताजपोशी हुई और वो उसको अच्छे से एंटरटेन कर रहे हैं। पूनिया और राजे ने एक सुर में गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार का एक साल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के खींचतान में गुजरा है। सरकार का यह जश्न सफलताओं का नहीं बल्कि अपनी कुर्सी बचाने का रहा है। राजे और पूनिया ने गहलोत सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। खैर, सरकार का एक साल कितना सफल रहा इसका फैसला तो जनता ही करेगी।